अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे, और आप लोगों के बर्ड्स और परिंदे भी फिट फाट होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे रेड रम्प के बारे में। मैं माशाल्लाह से ये रेड रम्प का एक पेयर लेके आया हूँ अपने ब्रीडिंग सेटअप पे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये पेयर है। मुझे तो ये परिंदा बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि इसके कलर जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। दूर से देखने पे बहुत प्यारा लगता है, और पास जाने पे भी तो और भी कमाल का लगता है। अगर इस परिंदे के ओरिजिन की बात की जाए तो ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में ये फॉक्स वगैरह में, झुंड वगैरह में ये रहता है। ये परिंदा छोटे छोटे झुंड में ये रहता होता है। अगर इस परिंदे के मेल फीमेल की बात करें तो इसमें जो मेल होता है, मेल का कलर डार्क होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, शाइनिंग कलर होते हैं मेल के, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वो आप पता चल जाता है उससे। और जो फीमेल होती है, फीमेल जो होती है उसका सिंपल होता है कलर, सिंपल प्लेन और डल होता है, धीमे कलर होते हैं, हल्के कलर की फीमेल होती है। और जो मेल होगा उसके कलर डार्क होंगे। यानी कि अगर सपोज रेड रम्प का पेयर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो मेल है वो ग्रीन कलर का है। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पेयर है रेड रम्प में। इसमें जो रम्प की जगह होती है, यानी कि जहाँ से इसकी ये दुम वगैरह निकल रही होती है, वो रेड कलर में होती है, और बकाया जो इसका कलर है वो ग्रीन होता है। और फीमेल की बात कर लें तो फीमेल वो देख लें आप, वो सिंपल कलर है उसका, प्लेन है, डल है, हल्का कलर है। और जो मेल के कलर होंगे वो शाइनिंग कलर होंगे, इसमें जिस म्यूटेशन में भी हों, मेल का कलर डार्क और शाइनिंग होगा, फीमेल का कलर डल और प्लेन होगा। ये इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस है। और इसकी काफ़ी और भी म्यूटेशंस पाई जाती हैं, जैसा कि लुटिनो रम्प होता है, रेड रेड रम्प होता है, रेड ओपलाइन रम्प होता है, और ऐसे काफ़ी ब्लू ओपलाइन होता है, ब्लू रम्प होता है, और भी काफ़ी इसकी म्यूटेशन पाई जाती हैं। लेकिन जो बेसिक म्यूटेशन है, यानी कि जो वाइल्ड में पाई जाती है, ये रेड रम्प ही होता है जो वाइल्ड में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये रेड रम्प का है। और अगर इसकी एज की बात की जाए तो वाइल्ड में ये परिंदा तकरीबन 20 से लेके 25 साल तक ये परिंदा ज़िंदा रह सकता है वाइल्ड में। और अगर इसकी कैप्टिव की बात की जाए, यानी कि इसके केज वगैरह में बात की जाए, तो केज में इसकी एज है तकरीबन 16 से लेके 18 साल तक ये केज में ज़िंदा रह सकता है। और अगर इसकी ब्रीडिंग की बात की जाए तो ये परिंदा वाइल्ड में तो कहा जाता है कि थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करता होता है, अगर इसे टेम्परेचर सही मिले तो। अगर आप कैप्टिव में यानी कि केज वगैरह में इसकी ब्रीड कराते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर तकरीबन 35 से 36 के दरमियान या इससे कम होना चाहिए, तभी ये परिंदा ब्रीड करता है। और ख़ास तौर पे मौसम बहार में, यानी कि जब बारिशों का सीज़न होता है, तब ये परिंदा बहुत जल्द ब्रीड पे आ जाता होता है। जैसा कि लव बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न है अगस्त से लेके मार्च अप्रैल तक, तो उसी तरह इस परिंदे का भी ब्रीडिंग सीज़न है। ये भी तकरीबन अगस्त से लेके अप्रैल तक ब्रीड कर लेता है इजीली, क्योंकि अप्रैल के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से ये उसके बाद बॉक्स वगैरह उतार देने चाहिए, नहीं तो ये गर्मी की वजह से ये परिंदा मर भी सकता है। और इस परिंदे को जो केज यानी कि ब्रीडिंग बॉक्स का जो साइज़ है वो वही वाला होगा जो आप लोग कॉकटेल के लिए और रिंग नेक के लिए यूज़ करते हैं, वही साइज़ आप इसे भी दे सकते हैं, ये इजीली उसमें ब्रीड कर देता होता है ये परिंदा। और ये इसकी अगर एग्स की कैपेसिटी की बात की जाए तो ये चार फीमेल 4 से लेके 7 अंडे तक देती है, और ये इनक्यूबेशन पीरियड इनका वही होता है 21 से लेके 24 दिन के अंदर अंदर बच्चे निकाल देती होती है, और तकरीबन 40 से 45 दिन के अंदर अंदर बच्चा केज से बाहर आ जाता होता है। अगर हम इस पेयर की बात करें तो ये पेयर 2 दफ़ा ब्रीड कर चुका है। एक दफ़ा मेरे दोस्त के पास जिससे मैं लेके आया हूँ, इसकी एज तकरीबन 16 मंथ है इस पेयर की, और एक दफ़ा मेरे दोस्त के पास ब्रीड कर चुका है, वहाँ पे इसने 3 अंडे दिए थे और एक फर्टाइल निकाला था क्योंकि इसकी फर्स्ट ब्रीड थी। और यहाँ पे जब मैं लेके आया हूँ
यहाँ पे बारिशें हो रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, तो इसने एक दो दिन मीटिंग वगैरह की थी और उसके बाद इस परिंदे ने एक ही अंडा दिया था। और जब मैंने वो अंडा चेक किया तो वो अंडा अनफर्टाइल था। ये वाला माशाल्लाह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला अंडा दिया हुआ था ये अनफर्टाइल था। मैंने चेक किया जब इसे, एक ही फीमेल ने अंडा दिया हुआ था। अब ये माशाल्लाह से ये फीमेल दोबारा बॉक्स के अंदर जा रही है, उम्मीद है कि ये दोबारा ब्रीड कर जाएगी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, टेम्परेचर तकरीबन 35 के आसपास है, उससे नीचे ही है, तो इस वजह से ही दोबारा बॉक्स में आना जाना स्टार्ट हो गई है और उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर ये अंडे भी दे देगी। और अगर इसके केज के साइज़ की बात करें तो केज में इसको 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ाई में और 2 फुट डेप्थ में इसका केज होना चाहिए, तो इसमें ये इजीली ब्रीड कर सकता है, ताकि इसकी फ्लाइंग वगैरह अच्छे से मिल सके और ये परिंदा इजीली रह सके। क्योंकि अगर फ्लाइंग वगैरह मेल को सही नहीं मिलती तो मेल अग्रेसिव होकर फीमेल को मार भी देता होता है। इस परिंदे के अंदर ये होती है कि मेल ज़्यादा अग्रेसिव होता है फीमेल की निस्बत। जब आपने इस परिंदे का बॉक्स लगाना है तो आप लोगों ने उसके अंदर वुड शेप डाल देनी है, क्योंकि जब ये फीमेल अंडे देने लगती है तो वो उस पे वुड शेप पे बैठती है और वहाँ पे अपनी नेस्टिंग उस हिसाब से कर लेती है और वहाँ पे फिर अंडे ले कर देती होती है। नेस्टिंग मटेरियल में आप इसको वुड शेप वगैरह यूज़ करवा सकते हैं, या फिर जिसे तूड़ी वगैरह होती है, ये चीज़ें आप इसे यूज़ करवा सकते हैं ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर। और ये रंप एक सोशल परिंदा है और अगर आप लोग इसे टेम करना चाहें तो ये इजीली टेम वगैरह भी हो जाता होता है। अगर आप इसकी फीड की बात करें तो फीड में ये परिंदा वही कुछ खाता है जो लवबर्ड्स खाते हैं, जैसे वो बाजरा हो गया, कंगनी होगी, सनफ्लावर सीड्स हो गए, गंदम होगी, पानी में भिगो के वो इस्तेमाल करवा सकते हैं आप। इस परिंदे को बहुत शौक से खाते हैं ये, और इस परिंदे को पानी बहुत पसंद होता है, गर्मी हो या सर्दी ये पानी में नहाना पसंद करता होता है। आप किसी भी बाउल के अंदर पानी डाल के रख दें इसके केज के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये परिंदा आके नहाएगा उसके अंदर, अपने परों को गीला करता है और फिर फ्लाइंग कर रहा होता है। और इस परिंदे की ख़ास बात ये है कि एक तो इसके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं और उसके बाद ये विस्लिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत खूबसूरत विस्लिंग करता है, सीटी वगैरह मारता है बहुत ही कमाल की। और जब ये नर मस्ती में होता है तो ये फुल विस्लिंग कर रहा होता है। ये थी इस परिंदे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, ब्रीडिंग से रिलेटेड और इस परिंदे के बारे में। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ये परिंदा आपके पास ब्रीड भी करेगा और बच्चे भी निकालेगा। इसके बारे में आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फतर इसके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि अगर इसे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए तो ये परिंदा कैसा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं इस परिंदे की मेटिंग की वीडियो, क्रॉसिंग की वीडियो और एग वगैरह की वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी इस परिंदे की क्रॉसिंग की वीडियो, ये माशाल्लाह से इसकी क्रॉसिंग हो रही है। ये वीडियो थोड़ी सी सही नहीं बन सकी, थोड़े दूर खड़ा हुआ था इस वजह से ये वीडियो नहीं सही बन सकी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ईजीली ये परिंदा घर में ब्रीड कर सकता है। अब ये देखिए अंदाज़ा लगाएं माशाल्लाह से। अगर आप इस परिंदे को डिस्टर्ब वगैरह ना करें और इसे स्पेस वगैरह दें, अच्छी फ्लाइंग दें, ब्रीडिंग बॉक्स दें और इसके अलावा उसके अंदर वो फीड अच्छा दें, फीड में ख़ास तौर पे ख्याल रखें, फीड हर वक्त इसका मुकम्मल होना चाहिए, फीड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये परिंदा आपके पास कितनी ईजीली ये ब्रीड करेगा, जैसा कि ये परिंदा मेरे पास ब्रीड कर रहा है। घर की खूबसूरती के लिए बहुत ही खूबसूरत ये परिंदा है, आप अगर इसे घर में रखते हैं तो बहुत प्यारा लगता है ये। और इंशाल्लाह इसके बिज़नेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। इसकी क्रॉसिंग वीडियो आपने देखी, अब ये माशाल्लाह से इसकी अंडे वाली वीडियो भी देखें, यहाँ पे ये इसने मेरे दोस्त के पास ये अंडे दिए हुए थे, इस परिंदे ने 3 अंडे दिए थे फर्स्ट टाइम में मेरे दोस्त के पास, और मेरे पास इसने एक ही अंडा दिया हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन क्रॉसिंग हुई थी मेरे पास, मेरे दोस्त के पास 3 अंडे दिए थे, मेरे पास एक अंडा दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो कुछ भी देखना चाह रहे हैं मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, वो परिंदे दिखाऊँगा।
सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।